मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के। इलेक्शन खत्म हुआ और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन की शुरुआत अनकरीब हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग सियासी पार्टियां अपना अपना लायमल तैयार कर रही है और अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव भी होगा। और मालेगांव शहर सियासी तौर पर बहुत बेदार शहर है। 5 साल यहां पर सियासी बातें, सियासी तबसरा, सियासी जलसे, मीटिंगें हुआ करती है और मैं तो हमारे पार्टी को मानने वाले शहर की आवाम और हमारे कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि आपके अंदर भी बहुत सियासी बेदारी आ चुकी है। यकीन जानो, अब आपको यह बात समझने लगी है कि किसके जलसे में नहीं जाना है, गर्दी नहीं करना है, जलसा उनका कामयाब नहीं करना है। अगर आपके मोहल्ले में भी जलसा रहता है तो आप वो मोहल्ले से निकल जाते हैं कि हमको उनका जलसा भी सुनना नहीं है और उनको ताकत भी नहीं देना है और उनका जलसा कामयाब भी नहीं करना है। इतने आप लोग बेदार हो गए, मैं आपको सलाम करता हूँ। यही बेदारी ज़रूरी है। आजकल शहर के अंदर खानवाजे के ऊपर बहुत बातें हो रही है। माफ करना है, मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि शेख रशीद खानवाजे को के ऊपर मीडिया ट्राई भी किया गया, कुछ चैनल वालों ने, कुछ अखबार वालों ने हमारे ऊपर ट्रायल किया गया। लेकिन हम तो वो लोग हैं कि 1999 के अंदर डिसिप्लिन और आवामी आवाज से तो नहीं डरे, तो बाकी ऐसे कुछ चंद मीडिया वालों से भी डरे। माफी के साथ बोल रहा हूं, 1999 के अंदर भी हमने देखा तो उस वक्त भी हम नहीं डरे, शेख रशीद साहब नहीं डरे और 2 मरतबा एमएलए बने। मुझे तो 1999 का दौर याद आ रहा है कि यह दोबारा रिपीट होने वाला है 2024 के अंदर, वो दौर मुझे नजर आ रहा है। मैं आज तमाम ही हमारे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग असेंबली की तैयारी के लिए आज से, अभी से अपने वार्ड में, अपनी गली के अंदर, अपने चौराहा के ऊपर कमर बांध लो, कमर कस लो और मैदान में उतर जाओ। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने हमारा साथ दे दिया तो मैं यकीन से कहता हूं असेंबली की सीट हमारी होगी, एमएलए आपका अपना होगा। आज से जुट जाओ, ये मत देखो अक्टूबर कब आएगा, आज से हमको तैयारी करना है। और शेख रशीद साहब की सियासी शुरुआत या शेख रशीद साहब ने जब सियासत में कदम रखा, शहरी सियासत में बोल रहा हूं, तो उनका एक ही मिशन हुआ करता था कि मेरे गरीब भाई उनके लिए लड़ूंगा, झोपड़पट्टी की आवाम के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए जीऊंगा, गरीबों के लिए मरूंगा। और यही गरीब आवाम ने शेख रशीद साहब को 2 मरतबा एमएलए बनाया और 40 साल शेख रशीद साहब के साथ आप लोग खड़े रहे,
मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और ये वही दौर आ रहा है, अगर आज का आप अगर माहौल ये शहर का देखोगे तो आपको माजी नजर आएगा। शेख रशीद साहब को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत तैयार हुई थी, ताकत खड़ी हुई थी कि शेख रशीद साहब सियासत से खत्म हो जाए, लेकिन आप लोगों ने खत्म होने नहीं दिया। दो मर्तबा मेरे बनाए, दो मर्तबा, चार मर्तबा मेरा आपने हमारे अपने परिवार के अंदर दिया। आज तक आप लोग हमारे खानदान के साथ, हमारे साथ खड़े हुए हैं और आइंदा भी आपको खड़े रहना है। और आप तो ये पहला इलेक्शन होगा तो शेख रशीद साहब के बिना हमको लड़ना है, शेख खलील साहब के बिना लड़ना है, आपको शेख रशीद बनना है, आपको शेख खलील बनना है, आपको वो बनकर मेरी और मेरे परिवार की सरपरस्ती करके आपको असेंबली मुझको जिताना है, या आपको या मिशन और ये अहद करके आपको यहां से जाना होगा। आपको मुझे उम्मीद है, मुझे इलेक्शन दिख रहा है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी असेंबली के अंदर। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ताल्लुक से यहां बातें हो रही थी, मैं तो किसी को मुकाबले में समझता ही नहीं हूं सिवाय मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। मुकाबले में नहीं समझता हूं, लेकिन मैं ये शहर के आवाम से सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को चुन कर दिया और लाख वोट के ज्यादा आपने उनको चुन कर दिया, शहर के आवाम ने उनको एक लाख से ज्यादा वोट दी, पांच साल हो रहा है उनको, अक्टूबर में पांच साल हो जाएगा, क्या शहर के आवाम अब वक्त नहीं आया कि उनके बारे में सोचना चाहिए, क्या पांच साल के अंदर उन्होंने शहर को क्या दिया, शहर के बुनकरों को क्या दिया, शहर के आवाम को उन्होंने क्या दिया, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर उन्होंने कौन से नुमाइंदगी की, क्या बुनकरों को मिला। बुनकर भाइयों से भी मेरा सवाल है, सिर्फ दादा भूसे साहब की चमचागिरी इन्होंने पांच साल की, लोटस हॉल के अंदर मीटिंग हुई, बड़े बड़े डिजिटल शहर के अंदर लगे, पावर लूम तंजीमों ने बैनर लगाए कि कमेटी बन गई मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के डिमांड के ऊपर, बोले कमेटी बना दी हुकूमत ने और दादा भूसे साहब को गुलदस्ता लेकर, हार लेकर उनके ऑफिस में जाकर इस्तकबाल किया गया कि हुकूमत ने एक और अच्छा काम किया कि दादा भूसे साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मेरी बात कड़वी हो सकती बुनकर भाइयों, लेकिन सच बोल रहा हूं। आपने लोटस हॉल के अंदर मीटिंग ली, दादा भूसे साहब को बुलाया, इस्तकबाल किया, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, वादे किए गए, ये बेनिफिट, ये सब्सिडी, ये सहूलत बुनकरों को मिलेगी। मेरा सवाल है कि बताओ क्या आज तक आपको एक भी रुपया सब्सिडी मिली क्या, क्या आपको बेनिफिट मिला क्या, आप कभी इस्तेमाल किया गया। मैं तो बुनकर भाइयों से कहना चाहता हूं, आप जिम्मेदार नहीं हो, आप रोजी रोटी के अंदर परेशान रहते हो, अगर कोई जिम्मेदार है तो यहां की बुनकर तंजीमें जिम्मेदार है।
जो आपको एक जगह जमा करके अपना जाति मुफाद हासिल करते हैं, लेकिन आपका कभी जाति मुफाद, आपको कभी सब्सिडी नहीं। आपको अगर पावर की रेड हो जाए कंपनी की, तो आपके लिए कोई खड़े नहीं रहता। आपका इस्तेमाल सिर्फ किया गया 5 सालों के अंदर। मैंने आपके लिए क्या किया? आज मुझे माजी में नहीं जाना है, शहर जानता है, लेकिन तुमको 5 साल क्या मिला ये तुमको अब सोचना है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आप मजहबी शख्सियत हो, सिर्फ क्या करते हैं पता है? हमारे मस्जिद के पेशमाम, मस्जिद के मौजिन, मदरसे के अंदर जो हाफिज है, इनको रमजान महीने में बुला के 200-200 रुपये का झुब्बा दे देते हैं, 50 रुपये तिवारी दे देते हैं, हो गई नुमाइंदगी। ये उनकी इज्जत है, ये हमारे उलमाओं की इज्जत है, ये हमारे मौजिन की इज्जत है। आपने एक मरतबा भी असेंबली के अंदर कहा क्या? क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए? कभी नहीं आपने उनके लिए आवाज उठाई। आप महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदर हो, आपने महाराष्ट्र असेंबली के अंदर कौन से मदरसे के लिए आवाज उठाई? आप बताइए मुझको, कौन से मस्जिद के लिए आवाज उठाई? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। आपने कब मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, माइनॉरिटी फंड को बढ़ा के मिलना चाहिए? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। यह शहर के अंदर बिल्कुल आप नाकाम हो चुके हो। मैं तो समझ रहा था कि आपको पिछले 5 साल का और यह 5 साल का तजुर्बा हो गया होगा, लेकिन आज आप अभी भी मार्केट के ऊपर, चेहराओं के ऊपर रोकड़ा बाजार में खड़े हो। रोकड़ा बाजार में आज आप भी खड़े हो, जो चाहे सौदा कर ले, आपकी बोली लगा दे। राज्यसभा का कितना लोगे? इतना लूंगा ओबराय होटल के अंदर रूम बुक। सौदा हो गया। आप क्या मिला कौम को, क्या मिला शहर को? एमएलसी के अंदर कितना मिलेगा? आपका सौदा हो जाता। कभी गैर हाजिर रहने का सौदा हो जाता, कभी स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर रहने का सौदा हो जाता, आपकी बोली लग जाती। आप ऐसे एमएलए साबित हो क्या? आप रोकड़ा बाजार के अंदर आपको जो चाहे खरीद सकता है, सिर्फ 5 साल ये शहर को ये मिला। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, क्या वजह थी? आपका तो अल्लामा इकबाल पुल के पास तो इस्तकबाल हुआ करता था जब आप हज से आते थे, मक्का से आते थे, हज करके आते थे। ये साल तो देखने में नहीं मिला, क्या वजह थी पता है आपको? क्योंकि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। नमाज पढ़ाना थी आपको ईदगाह पर, आपको वहां सियासी बातें करना थी। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह के ऊपर इसके लिए नहीं जाता कि आपकी सियासी बात हो। आपने मुझे बताओ कि बकराईद थी, हज के क्या फराइज होते हैं वो बताया कि आपने बयान किए? कुर्बानी के क्या फराइज है कि आपने वो बताया क्या? आपने ओट जात, लहो जात, लैंड जात, मैंने इतनी ओट दिला दिया। अरे ये कोई जगह है? आपको सियासी तकरीर करना थी, इसके लिए अभी इस मरतबा हज पे नहीं गए क्योंकि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। आपका शहर में रहकर फायदा क्या मुझे बताइए? शहर के आवाम से पूछना चाहता हूं,
इन 5 सालों के अंदर यह साल ऐसा था कि सबसे ज्यादा जानवर पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, मेरा सवाल इस शहर की आवाम से, आपके घरों से जानवर खोले गए कि नहीं, आप अपने मकान के ऊपर लेकर जा रहे थे पुलिस ने पकड़ी या नहीं पकड़ी, रेड हुई या नहीं हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? मार्केट के अंदर क्या हुआ? आप गए क्या एक भी मर्तबा? आप पुलिस के पास जाकर बैठे क्या? आपने कोई आवाज नहीं उठाई, इसको नुमाइंदगी बोलते हैं? क्या फायदा? आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हो। इसका जवाब ये शहर की आवाम ने उनसे पूछना चाहिए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया आप लोगों को उनसे जवाब पूछना चाहिए। जमीतुल उलमा तंजीम को मैं बहुत मानता हूं, जमीतुल उलमा तंजीम को मैं बहुत मानता हूं, मैं भी उसका एक मेंबर रहा हूं, मैं भी जब दिल्ली जाता हूं तो जमीयत के दफ्तर में जाता हूं, वहां पर उनसे जिम्मेदारान से मुलाकात करता हूं, आज भी वहां की मस्जिद में नमाज भी अदा करता हूं, और यह तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। जब मैं एमएलए था तो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जमीयत पे पाबंदी की बात आई तो ये शेख आसिफ ने उनका मुकाबला करने का कहा। जमीयतुल उलमा की इज्जत आज भी है, कल भी है, और मरते दम तक इंशाल्लाह करता रहूंगा, ये बात का वादा आज मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या ये शहर की आवाम क्या जमीयतुल उलमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होते नजर आ रही है क्या? मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, मस्जिदों में अगर जमीयत की तरफ से कोई लेटर आता कि कई रियासतों के अंदर सैलाब आ गया, कई घर जल गए, कई मदद करने की बात आती तो जमीयत का लेटर आता, जमीयत के लोग आते मस्जिद के बाहर खड़े रहते, इमाम साहब ऐलान करते तो मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने वाला ये शख्स ये नहीं देखता कि मैं मुफ्ती इस्माइल साहब को मैंने वोट नहीं दिया, मैंने शेख आसिफ को वोट दिया, लेकिन वो अपनी जेब से हाथ जेब में हाथ डालता पैसा दे देता है, वो कौम के लिए देता है, आपको देखकर नहीं देता। मुझे पता है कल मुजम्मत होंगी, हो बंदो, डरना सिर्फ अल्लाह से। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो साबित है वक्त के, उनसे भी सवाल किया गया, गलत बोल रहा हूं क्या? उनसे भी सवाल किया गया, आप जमीयतुल उलमा के अंदर बैठकर अगर किसी 4 घर जल जाते उसका अगर आप तामीर करते तो वहां पर यह न्यूज चलाते आप मीडिया के अंदर कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की एक बड़ा कारनामा के घर बना के दे दिए गए, आपके घर आपके जेब से दिया, मालिक सेठ आपके जेब से दिए, मक्की सेठ आपके जेब से दिए, ये शहर से जमा हुआ किया पैसा है, ये कौम की अमानत है, जो आप देते हो आपके जेब से नहीं देते। वहां बैठ के सियासी बयान देते हो हमारे खिलाफ, अरे हम भी मुसलमान हैं, हम भी जमीयत को मानते हैं, उस दफ्तर के ऊपर आपका हक नहीं, एक एक मुसलमान का हक है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि कोई भी शहर के सियासी आदमी के खिलाफ जो आपके खिलाफ हो आप वहां बैठकर वहां बयान दे, आप नहीं दे सकते आप बयान, ये बंद होना चाहिए। हमने 2019 के अंदर आपने हरी लाइटिंग लगाई, खुशियां मनाई जमीयत के ऊपर, हमने जब खामोश रहा, लेकिन याद रखना आपको हिसाब देना पड़ेगा भी शहर को। आप अगर दबाने की कोशिश करोगे मजहब के नाम पर तो ये बर्दाश्त मैं तो नहीं करूंगा, और मैं अल्लाह से डरता हूं, बंदे से डरता उड़ता नहीं। अभी कौन आया
वहीं बैठकर बयान दे दिए। ये शरद पवार साहब के बहुत खास थे, ना जाने ये क्यों आए, आप समझ जाओ असेंबली का इलेक्शन आ रहा। अजीब बात। फिर आज के मैंने पेपर पढ़ा, सामनामा अभी का आज का, बोले मैं एमएलए हूं मजलिस का, एमएलए से ही मजलिस से ही उम्मीदवारी करूंगा। आप ये शहर को अपने लेटर हेड के ऊपर दस्तखत करके दे दो प्रेस वालों को, शहर को बता दो आज जो आपने बात कही उससे पलटना मत। मैं तो बोलेगा यार वो कांग्रेस वाले तो फोन कर रहे, कांग्रेस वाले तो बिस्सी भी देने बोल रहे, फिर उधर चले जाए। मुझे मालूम है हमारी नई नवेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपको नाना पटोले से मीटिंग करवा दी, हमको पता है। मेरे भाई एजाज बेग को नहीं पता, हो सकता वो कांग्रेस के सदर, लेकिन मुझे पता है आपकी डीलिंग चल रही, पता है हमें। तो अपनी बात पे कायम रहना। मैं आज बोलता हूं इंशाल्लाह जिंदगी रहेंगी तो हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा, आज बोलता हूं। आप अपनी बात पे कायम रहना। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन बाजू में बोले शेख आसिफ ने इतनी हजार वोट कटवाए, वाह वाह। मुफ्ती साहब ईमानदाराना और अल्लाह पर ईमान रखकर, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, डबल और ट्रिपल वोट नहीं इज्जत जिल्लत देती है। और शेख आसिफ आज दोबारा बोल रहा है कि जिसकी एक वोट रहेगी मैं उसके साथ हूं। अगर आप बोगसगिरी करोगे, आप बोगस करेंगे, दो वोट, चार वोट, दस वोट, बीस वोट बढ़ाओगे तो मैं आज भी खिलाफ हूं, कल भी खिलाफ रहूंगा, आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहो। और तुम्हारे लिए मैं कुर्बान हो जाऊं, तुम्हारे लिए डबल वोट को मैं कोई मुखालफत नहीं करूं, ट्रिपल वोट की मुखालफत नहीं करूं। तुम 55 वोट बढ़ा लो, तुम 13-13 वोट बढ़ा लो, तुम्हारे लड़के के अब्दुल्ला की 3 वोट बढ़ा लो और कुर्बान मैं हो जाऊं। यानी मुखालफत नहीं करूं इसका मतलब मैं कुर्बान हो जाऊं। तुम बोगसगिरी करेंगे, तुम झूठ का सहारा लेकर बोगसगिरी करके असेंबली पहले जीत गए, अब इंशाल्लाह आपको जीतने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आज ही मैंने अभी आज व्हाट्सएप पे आएगा 4 सेंटर बनाया हूं, जो 18 साल के हो गए जिनकी एक वोट थी वो अगर कटी होगी आइए हमारी ऑफिस में, मैं बढ़ा के देता हूं। लेकिन 2 वोट 4 वोट 10 वोट इसकी मुखालफत कल भी किया, आज भी करूं और आइंदा भी करूंगा। आप ही को क्यों इतनी लगती है, मेरे वोटरों को क्यों नहीं लगती, आवाम से क्यों आवाज नहीं निकल रही? क्योंकि वोट आपने बोगसगिरी किया था, आपने वोट कट गई तो अब तकलीफ हो रही क्योंकि इलेक्शन दिख रहा है ना सामने, फिर मैदान घोड़ा सामने रहेगा तो आपको तकलीफ इसलिए हो रही है। और एनआरसी से मुसलमानों को डराओ मत, वो फलिस्तीन के मुसलमानों के अंदर जितनी ताकत अल्लाह ने दी है ना, तो हम भी उनके भाई है, हम भी उनके भाई है, उतनी ताकत अल्लाह ताला ने हमें भी दी है फिरका परस्तों से लड़ने की। आप क्या एनआरसी से डराते हो? अल्लाह ने जिंदगी एक दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया, वापस बुलाए अल्लाह ताला जब वक्त निकालेगा, जाना है सबको। क्या मोदी और शाह से डराते हो, क्या एनआरसी से डराते हो? बंद करो झांसा देना, ये शहर ने आपको समझ लिया है, ये सब बंद होना चाहिए। आप ये मत समझो कि शेख रशीद साहब इंतकाल कर गए, अरे हमको शेख रशीद साहब ने तमाम ही सलाहियत और हमारे अंदर पूरी सलाहियत देखा जब शेख रशीद साहब ने उतारा, हमारे वर्करों को तैयार करके गए,
शेख रशीद साहब, क्योंकि यादव के सारे, उनके काम के सारे, उनकी सोच के सारे हमारे अंदर बहुत हौसला, बहुत हिम्मत अल्लाह ने दी है, और हम शेख रशीद साहब के लिए दुआएं करते रहेंगे और इलेक्शन लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आप सोचेंगे हम डर जाएंगे, छप जाएंगे, ये तुम्हारी भूल है, निकाल दो, ये भूल है, तुम मुफ्ती साहब अब निकाल दो। बीस पच्चीस दिन से मैं क्या खामोश था, बालू मिल रहा था, ऐसा लौट रहे थे, ये हमारे मीडिया वालों को भी कुछ नहीं, वही चालू था। चलो बालू मिला, लौट लिए, आज मैदान में उतर गया हूं, इंशाल्लाह पेटी बंद हो तक मैं मैदान छोड़ के भागूंगा नहीं, और आप भी नहीं। हर इंसान के अंदर, मैं शेख रशीद साहब सियासत में थे, हम पांच भाई हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने मुझको सियासत में पहले टाइम उतारा और छोड़ दिया कि देखो मेंबर बनाया जा, शहर संभाल, जा सीख, जा आवाम के काम कर, जा गरीबों के काम कर। मेयर था तो भी झोपड़ पट्टियों के अंदर कॉर्नर मीटिंग लिया, सीखा पट्टियां बिछाया, जलसों की पट्टी बिछाया, कुर्सियां उठाया। शेख रशीद साहब ने सियासत में मुझे लाए, लेकिन शेख रशीद साहब ने सियासत में लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो तमाम ही सलाहियत पैदा की, और मैंने अपना लोहा ये शहर के सामने मनवाया। जब आज आप मुझको नेता मांग रहे, जब आपने मुझे एमएलए बनाया, अब कोई भी बोलेगा मैं शेख आसिफ के आगे अटैक कर दूं, अच्छी अच्छी तकरीर कर दूं, अच्छे अच्छे इंग्लिश के अल्फाज बोल दूं और मैं एमएलए बन जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता है, शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बोल रहा हूं मैं, तारीखी जुमला बोल रहा हूं, ना तो मुफ्ती साहब जैसे आज बोले ना मैं लड़ूंगा, तो जो जो अगर ये चाहता है कि मेरा बाप सियासत में था तो मैं भी आगे बढ़ूं। अगर कोई ये बोलता है कि मेरा बाप सियासत में था, कोई लड़की बोलती है कि मैं आगे बढ़ूं, जरूर सबको अधिकार है, तो सब आज ऐलान करो कि हम असेंबली लड़ेंगे, ये शहर तय करेगा कि किसके अंदर सलाहियत है, ये शहर तय करेगा। बाप के भरोसे बहुत दिन तक दुकान नहीं चलती, दुकान में अपने नए ग्राहकी बनाना पड़ता है, लेकिन ये हिरस कि शेख रशीद की औलाद शेख आसिफ एमएलए बन गया, मेयर बन गया, हम क्यों नहीं, तो उसके लिए सलाहियत पैदा करो। आवाम के काम करना पड़ता, रात दिन जागना पड़ता, गरीबों में बैठना पड़ता, गरीबों में उठना पड़ता और जेब में हाथ डालना पड़ता। जेब में भी हाथ नहीं डालोंगे और बोलेंगे अब हमको लीडर मानो, कपड़े अच्छे पहन लेने से कोई लीडर थोड़ी होता, होता ही क्या, जेब में हाथ डालना पड़ता, ये शहर जानता है। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने सिखा के गए हमको कि जेब में हाथ डालो। पहले साल शेख रशीद साहब नहीं थे दुनिया में, लेकिन आपने देखा कि हमारे परिवार ने बिल्कुल कंजूसी की हुई नहीं, और आज भी नहीं कंजूसी कर रहे, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। और अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह दे रहा है, और हलाल दे रहा है, और करोड़ों से दे रहा है अल्लाह ताला, तो हम अगर करोड़ों से बांट रहे तो तुमको क्या तकलीफ है, कॉर्पोरेशन से लूट मार करके बांट रहे क्या, किसी के जमीन पे नाजायज कब्जा करके बांट रहे क्या। हमारा खानदान, एक चीज किसी ने साबित कर देना कि हमारे खानदान ने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके पैसा हासिल किया, यकीन जाना सियासत छोड़ दूंगा। शेख रशीद साहब ने सिखाया नहीं हमें, हलाल अल्लाह ताला दे रहा है और करोड़ों से अल्लाह ताला दे रहा है, तो इसलिए करोड़ों से बांटने की हिम्मत भी रखती हो और कलेजा लगता और वो हम बांट रहे हैं। मैदान में वक्त पड़ेगा तो घर बैठ के भी इलेक्शन लड़ लूंगा,
तो तुम भी घर बेच के लड़के बता, भागना मत छोड़ के, भागना मत छोड़ के। मैंने कहा ना मुफ्ती इस्माइल साहब को, मैं सोच रहा था कि बहुत समझदार इंसान हो गया। देखो आए आप तमाम ही मेरे साथी बैठे, खास तौर से गुरुवार वार्ड रौनकाबाद ये इलाका, शहीद अब्दुल हमीद रोड और शहर के रविवार वार्ड और बहुत इलाके से आए हुए नयापुरा वगैरह, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का कासमी साहब का नजरिया, मैं नजरिया बताने के लिए आज खड़ा हुआ। यानी अब उसको क्या बोलेंगे, एक जबान में उसको बोलेंगे कि सियासी दुश्मनी निकालने के लिए, यह भी बोले तो गलत नहीं होगा। मैं एमएलए था 5 साल, शेख रशीद साहब 10 साल। अगर ऐसा मान लो कि ये हमारे 15 साल के अंदर अगर हमारे वर्कर को किसने मारा और वो वर्कर आए कि साहब कार्रवाई की मांग करो, अगर वो वर्कर हमारे पास 15 साल में आया होगा कि साहब कार्रवाई की मांग करो, कार्रवाई की मांग करो, तो हम ये बोलेंगे कि कानून के मुताबिक लेटर देंगे हम कि फला फला घटना हुई, फला फला इंसान को लगी, इसकी कानून के मुताबिक जो मुजरिम होगा उसको पकड़ के सजा मिलना चाहिए, यही लेटर दिया जा सकता कानून के मुताबिक। 3/5/2024 को ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने लेटर दिया, ये लेटर दिख रहा मीडिया वाले देख लो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने लेटर दिया फायरिंग मामले में, मैं उसके ऊपर आगे बोलूंगा। एक एमएलए को क्या बोलना चाहिए हो, ठीक है हमारे लाख सियासी तुम्हारे इख्तलाफ हो सकते, लाख हो सकते और रहेंगे जब तक हम सियासत में एक दूसरे के मध्य मुकाबले तो रहेंगे। एक एमएलए ने बोलना चाहिए था कि कड़क कार्रवाई होना चाहिए, जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाना चाहिए, बेगुनाह नहीं पकड़ा जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरे पूरे खानदान का नाम लिखकर जन्म कुंडली निकालकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कंप्लेन की। इससे मैं डर नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं आज आवाम के सामने बता रहा हूं कि सियासी दुश्मनी कितनी होना चाहिए। हर जगह कम से कम 10 जगह मेरा नाम लिखा है, शेख मंसूर शेख आसिफ का चचाजात भाई, उसने ऐसा ऐसा किया, शेख आसिफ का शेख खालिद भाई है, शेख खालिद ने फला फला ये सन में ये तारीख को ऐसा किया, शेख आसिफ का शेख अकील चाचा है, शेख अकील ने फला फला ऐसा किया, शेख एहसान शेख आसिफ का भाई है, फला फला उसने ऐसा किया, शेख अवेश शेख आसिफ का चचाजात भाई है, उसने ऐसा ऐसा किया, शेख वहाब ने फला फला तारीख को ऐसा किया, वो शेख आसिफ का भाई है, शेख खलील शेख आसिफ का चाचा है, उसने फला फला ऐसा किया। ये लेटर के अंदर है, मैं तो बड़ा टिक मार करके रखा हूं, मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सब अंडरलाइन मैं करके रखा। शेख सैयद अल्ताफ ने ऐसा किया, पूरी खानदान का पूरा लेटर लिखकर ये बोले कि शेख आसिफ को भी अटक करो और ये जितने नाम दे रहे बोले इनको सबको जेल में डाल दो। वाह भाई, बताओ ये ज़हनियत और ये सियासी दुश्मनी। ये लेटर से मैं डर नहीं रहा हूं क्योंकि इन्होंने ये छुपाया मीडिया के अंदर, शामनामा के अंदर भी छुपाया, उर्दू अखबारात में भी छुपाया और ना यूट्यूब चैनल वालों को भी ये नहीं बोला, सिर्फ सीएम मुख्यमंत्री साहब के साथ की तस्वीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
रेशमी शुक्ला मैडम के साथ में फोटो सिर्फ लगा दिए और बिगर नाम की न्यूज बना के दे दी। मुफ्ती साहब साबी के मेले हूं मैं, शेख रशीद साहब का लड़का हूं मैं, जिस हाउस में आप बैठ रहे हो ना तो शेख रशीद साहब 10 साल बैठे वहां, शेख आसिफ 5 साल उस हाउस में बैठा, मंत्रालय की कितनी सीढ़ियां वो भी मुझे पता है। ये अलग बात है आपको 9 साल के अंदर उस सीढ़ियां भी नहीं मोच पाए और ना डिपार्टमेंट मोच पाए, इतने सोर्सेस मेरे हैं, ये मिल गया मुझे। मुझे ये बात बोलनी नहीं थी लेकिन आपको हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री सिंधे साहब के बंगले पर किसने लेकर गया और फोटो से वो कौन बाजू में हो गया वो भी नाम मुझे पता है। क्या बोल रहा हूं, फोटो से हट गए, सिर्फ फोटो तुम्हारे ही आए लेकिन वो शख्स कौन था जो हट गया उसके भी नाम मुझे मालूम। ये ऐसा समझते हो आप कि मंत्रालय सिर्फ आपके लिए बना है क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर वो सिर्फ आप ही जा सकते हैं, वहां हम नहीं जा सकते। मंत्रालय के अंदर सिर्फ आप जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। सब जानता हूं और कब और कैसे जाना वो भी जानता हूं। सिर्फ इतनी आपसे अपील है मुफ्ती साहब, ये जातियात पर हो गया, जातियात पर, ये सियासी नहीं हुआ, ये जातियात पर हो गया। जिस दिन अगर मैं बोलना शुरू किया शहर के अंदर जातियात पर, सिर्फ एक टेलर दे दे रहा हूं ताकि उनको इशारा मिल जाए, फिर वो कौन सा मेडिकल वाला है, क्या बोल रहा हूं मैं, वो सऊदी किसने उसको भेजा था, फिर किसने निकाह किया था, फिर किसने तिलाक दिया, फिर किसने हलाला किया, इतना ही काफी है। उसके बहुत आगे जानता हूं पंचायत में कौन कौन था। अगर जातियात की ही बात आएंगे ना तो इससे ज्यादा मालूमात है और बोल सकता हूं, लेकिन ये तहजीब मुझे नहीं है। मैं तुमको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, आप बदनाम होगे, शहर और उलमा बदनाम होगे, इसलिए रुक जा रहा हूं। यही अपील है, यही अपील है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए, सियासत मर्दानगा करो, मर्द वाली सियासत करो, हम तैयार हैं। और मैं आप YouTube चैनल वालों से बोलना चाहता हूं, शेख आसिफ का इंटरव्यू लेते ना तो शेख आसिफ के अंदर गिरेबान के अंदर कितने काले करतूत छुपे हैं इसकी भी तहकीकात करना थोड़ा सी सीखो, माफी के साथ बोल रहा हूं। मतलब किस शख्स के वजह से 2 लड़कियों का तिलाक हुआ वो भी शेख आसिफ जानता, वो भी आपके YouTube के ऊपर बैठता है। अगर जातियात पे आ गया तो नाम पता, एड्रेस सब पता है, ये शहर में रहता हूं, पुलिस को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, पहले शेख आसिफ को मिलती है, ये बात बोल रहा हूं। अभी सिर्फ टेलर देके छोड़ रहा हूं, पिक्चर बताऊंगा अभी इलेक्शन आएंगे, जातियात पे बंद करो, मर्द वाली सियासत करो। अल्लाह का करम है, हमने तो किसी का इस्तेमाल करके उनका घर नहीं खराब किया, तो बताना मेरी कलर के ऊपर, मैं सियासत में हूं, मेरे से मुकाबला करो, ये मेरी खानदान को क्यों लपेटते हो, तैयार है तुम्हारे हर मुकाबला करने के लिए। किरदार के ऊपर कोई बोल नहीं सकता, हमारी खुली किताब है,
शेख रशीद साहब भी बोला करते थे हमारी खुली किताब है, और मैं भी बोल रहा हूँ हमारी खुली किताब है। उसके बाद ये शहर के अवाम ने 3 मरतबा MLA बनाया, तो उन्होंने अंदर हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखी होगी। जब हमको बनाया, जब हमको लीडर मानते, जब हमको प्यार करते, जब हमारे लिए खड़े रहते, ऐसे नहीं खड़े रहते। ऐसी सलाहियत और ऐसा करना पड़ता है जब आवाम खड़े रहती है। शहर के अंदर फायरिंग हुई ना, मुझे इंक्वायरी के ऊपर कुछ बोलना है और ना पुलिस के ताल्लुक से मुझे कुछ बोलना है। फायरिंग हुई, ऐसा पुलिस बोलती है, ऐसा मीडिया बोलती है, पुलिस का रिकॉर्ड बोलता है, FIR बोलती है। लेकिन FIR यह भी बोलती है कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, फायरिंग दोनों तरफ से। और जो मीडिया के अंदर जो वीडियो चल रही थी वो क्रॉस फायरिंग जब हुई उसकी वीडियो है। मैं आज बोल रहा हूं शहर की आवाम, न तो जाके पुलिस के पास से रिकॉर्ड निकाल लो। मैं आज भी, अगर किसी ने भी फायरिंग किया होगा, गुनाह किया होगा, तो ना पुलिस उसको सजा दे सकती, ना मैं ना आप। पुलिस का काम है कोर्ट तक पहुंचाना, जब केस चलेगी अगर वो गुनेगार साबित हो गया सजा लग जाएगी, जब मैं उसको गुनेगार मानूंगा। जो कार्रवाई होना थी हो गई, पुलिस अपना तपास करे, कार्रवाई करे। लेकिन क्रॉस फायरिंग के अंदर भी पुलिस तपास करे, इंक्वायरी करे, ये पुलिस से सिर्फ रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं। और यहां से लेकर DG ऑफिस तक, क्योंकि लेटर वहां तक गया, पुलिस डिपार्टमेंट को पता या नहीं पता, वहां तक लेटर गया, हमारे लाड़के मुख्यमंत्री शिंदे साहब तक गया। तो इंक्वायरी यहां से लेकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं वहां तक के लोगों के, दोनों फायरिंग की मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए, यह डिमांड मैं करता हूं। दोस्तों और साथियों, 23 तारीख का यह मेरा लेटर है, 23/2/2024। क्या बोल रहा हूं मैं, 23/2/2024, यानी दूसरे महीने का, ये साल के अभी छठा महीना चल रहा है। ये लेटर मैंने देवेंद्र जी फडणवीस साहब को लिखा था, मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको लिखा था, और नासिक जिला के SP साहब को लिखा था, DYSP साहब को और SP साहब को ये लेटर मैंने लिखा था। रिकॉर्ड पर ये लेटर है, ये मेरा लेटर है। अखबारात वालों ने न्यूज भी छापी थी, अखबारात वालों ने न्यूज भी छापी थी। मैंने कहा था कि श्रीरामपुर के कुछ लोग, आपको याद नहीं आएगा तो याद करो, माजी में जाओ, 4 महीना पहले, चैनल वाले आप भी माजी में जाओ, डिपार्टमेंट आप भी माजी में जाए। ये लेटर नहीं होगा तो मैं लेटर देने के लिए तैयार हूं, आज भी तैयार हूं। श्रीरामपुर और यूपी के गोरखपुर के कुछ लोग शहर में रुके हुए हैं, उनको गाड़ियां दी जा रही है, उनको साहित्य यानी कुछ सामान दिया जा रहा है, उनको रहने के लिए जगह दी जा रही है, ऐसा मैंने लिखा था। और वो मेरे परिवार की, हमारे घरों की, मेरे चाचा लोगों के घर की हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, नजर रखे हुए, और हो सकता है कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद सियासत में मैं अकेला हूं, जो मैं सियासत भी और परिवार भी और वर्करों को भी और शहर भी संभाल रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरा कुछ मुझ पर हल्ला हो जाए, इसके लिए प्लानिंग हो सकती है, इसके लिए पुलिस ने इसकी इंक्वायरी करना। एक ये लेटर दिया था,
और दूसरा लेटर दिया था इसके साथ में कि मुझको पुलिस प्रोडक्शन यानी बंदोबस्त मेरे साथ पुलिस सुरक्षा गार्ड दे जाए, मेरे को खतरा है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा लेटर मैंने दिया था। अब सवाल ये है कि जो क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की तहकीक कहां तक पहुंची मुझे नहीं पता, ना मुझे उनके अंदर इंटरफेयर करना है, ना दबाव बनाना है दूसरों की तरह, मुझे नहीं करना, साफ सुथरी तहकीक होना चाहिए। हो सकता है मेरा लेटर झूठा साबित हो, मैं मान सकता हूं, अगर पुलिस बोल दे तो मैं मान लूंगा, लेकिन वेपन जो क्रॉस फायरिंग में इस्तेमाल की गई इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, तो बोलेंगे यार दूसरे तरफ का नहीं बोल रहे, क्योंकि दूसरे तरफ पुलिस ने वेपन जब्त कर लिया। बात सुन लो, पुलिस ने एक साइड की वेपन जमा कर लिया और कोर्ट के रिकॉर्ड में बताया कि वेपन भी जमा हुई, गाड़ी भी जमा हुई, कपड़े भी जमा हुए, मोबाइल भी जमा हुए और आरोपी भी जमा हुए। इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो क्रॉस फायरिंग में वेपन इस्तेमाल की गई वो वेपन कहां से आई, नंबर एक। नंबर दो कि वो जो वेपन जो क्रॉस फायरिंग कर रहे थे उसमें मनमाड़ का व्यक्ति था क्या नहीं, ये भी पुलिस तहकीक करे, पुलिस को नई जानकारी होगी तो मैं बता सकता श्रीरामपुर का व्यक्ति उसके अंदर था या नहीं, पुलिस को नई मालूमात होगी तो मैं बता सकता। एक यूपी वाला तो पकड़ा गया, बराबर है ना, एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरे की बाहर से जमानत हो गई, मुझे कुछ बोलना नहीं है पुलिस, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं, यह डिमांड है मेरी पुलिस। और एक अहम डिमांड यह है, मैंने कहा ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है मुंबई में, तो सिर्फ इनके वास्ते नहीं खुला, मेरे वास्ते भी खुले रहे, मुंबई गया था अभी मैं भी, क्या बोल रहा हूं, मैं भी बंबई गया था, मैंने अखबार में खबर नहीं छपाई आज के दिन के लिए, मैं भी मिल के आया, सिर्फ मैंने फोटो नहीं खिंचाया क्या करा, मैं भी मिल के आया, रेशमि शुक्ला का ऑफिस बहुत अच्छा है, मैं गया वेटिंग में बैठा, टाइम लिया, मुझे मालूम है कैसे टाइम लिया, मैं भी गया और मैंने भी एक लेटर दे के आया हूं, आप बात समझ रहे हो, फाइल देख रहे थे ना अभी मेरे पास, वही अब फाइल बना लिया मैंने भी, वकील नहीं हूं लेकिन जितनी भी जानकारी उतना काम करते रहता हूं। मैंने ये डिमांड किया कि क्रॉस फायरिंग करने वाली जो वेपन थी, मेरा आज भी मानना है वो वेपन नेपाल से आई हुई थी, क्या बोल रहा हूं मैं, आज भी मेरा मानना है, मैंने कहा हो सकता गलत, वो नेपाल से आई हुई थी। ये मामला देश के बाहर का बोल रहा हूं, देश के अंदर का नहीं बोल रहा हूं, नेपाल हमारे देश से हटके नया देश है, यानी एक अलग देश है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, नेपाल की बात कर रहा हूं, वहां की हुकूमत अलग, वहां का वजीर आजम अलग, वो देश अलग है। अब पुलिस ये तहकीक करे कि इस 3-4 महीनों में नेपाल का कौन कौन नेपाल के शहर से गया था, कौन कौन नेपाल गया था और नेपाल में क्या क्या हुआ, ये भी पुलिस तहकीक करे, क्यों नेपाल गए, मेरी तो ये भी मालूम है, तो मैं कैसे हो ना बहुत चलते, क्या बोल रहा हूं, कैसे हो ना समझते, जुआ खाना जिसको बोलते हैं वो काउंटर वाले ना, घूम क्या बोलते हो कैसे नो, हाँ मेरे को अपन वहां पहुंचे नहीं तो मैं नाम भी यार, और वो क्लब को क्या बोलते, पॉप क्या, पॉप पॉप, हाँ जो मालेगांव के लोग कहते हैं वहां भी गए थे और वहां पर भी पुलिस इंक्वायरी करे कि वहां भी कुछ दीदा हुई थी, क्या बोल रहा हूं, बड़े बड़े बिल्डर रहते, इतना बड़ा जुगाड़ खाना चलाने वाले पास तो बॉडीगार्ड रहते ही ना, तो वहां क्या हुआ था
और ये वेपन वहां से आई, ऐसा मेरा शक है। मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैंने लेटर दिया कि अब इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने कहा ना, पुलिस से ज्यादा अपने पास रिपोर्ट पहले आ जाती, फास्ट एजेंसी है। तो नेपाल तक की बात अब मैं लेके आया हूं, और भी बहुत मटेरियल है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन पुलिस अब इसकी भी इंक्वायरी करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब आगे कहां जाने वाले, वो आगे वक्त तो बताएगा। सब सीढ़ी मुझे मालूम है, वहां तक जाऊंगा। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी शहर के अंदर हो जाना चाहिए। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा मेरे पार्टी के एमएलए को चलो मेरे साथ। अल्लाह का बहुत एहसान है, कभी मंत्री को नहीं बोला कि मेरे साथ चलो। कभी मैंने ये नहीं बोला शरद पवार साहब को, साहब ट्वीट कर दो ना। शरद पवार साहब को मैंने नहीं बोला ट्वीट कर दो ना, सीएम को और देवेंद्र फडणवीस को। मैंने कभी खासदार की मदद नहीं ली, मंत्री की मदद नहीं ली। अल्लाह का करम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला किसी के सारे की नौबत न रखे, सिर्फ तेरा सारा और तेरे सारे से चलना चाहता हूं। किसी के सारे की जरूरत नहीं लिया मैंने। हाँ इतना जरूर हुआ, आज बोल दे रहा हूं, शेख रशीद साहब ने जो सिखाया वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके लिए हेडलाइन है, सब न्यूज वालों के लिए जो बोलने जा रहे हैं। ये हमारे वर्करों का से माफी भी चाह रहा हूं, माफ करना, मैंने आपको बहुत थकाया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, बहुत थकाया। आपने बिना पैसे कम पैसे में काम किया, माफी मांगता हूं मैं आपसे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। हमारी नए नवेली खासदार शोभाताई बच्चाओं ने भी मुझे जेल में डालने के लिए कोशिश की, उसके परिवार ने भी की, ये बात आज आपको। कोई दो खासदार थे, तीसरी खासदार, दो एमएलए थे, तीन मंत्री, क्या फर्क पड़ता अपने को? मैंने कहा ना, अपन अल्लाह से सब मांगते हैं, कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। और आज ऐलान कर रहा हूं कि शोभा बच्चाओं से पांच साल एक लेटर भी मांगने के लिए शेख आसिफ जाएगा नहीं, आज ऐलान कर रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं। ये इंसाफ नहीं होता राजकारण के अंदर। मुफ्ती इस्माइल साहब आप जो बोलते हो ना, 2 लाख वोट मैंने दिलाया, अरे 19 का रिजल्ट देख लो, 75,000 वोट तो शेख आसिफ को मिली थी, मैं उसका ही हकदार था, मेरे मानने वालों ने भी उसको वोट दिया है। लेकिन आपको शर्म आना चाहिए 2 लाख का रट लगाकर बैठे हो, लेकिन हमने भी वोट दिया। मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपने वोट दिया शोभा बच्चा को, उससे काम लो। लेकिन मैं आज आयद करता हूं कि मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगा, और कभी लेटर नहीं मांगूंगा, कभी मदद नहीं मांगूंगा। आज बोल रहा हूं मैं, ये मेरे परिवार को बसाने के लिए अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आज बोल रहा हूं, सियासी इख्तलाफ हो सकते, सियासी वार में को चलेगा, सीने पे वार करो बर्दाश्त करूंगा, पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीने पे सामने से आके वार करो, पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं करूंगा, यह तरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आज मैं खड़ा हूं और आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, और अगर आपके सामने हिम्मत से बोल रहा हूं, सिर्फ आपकी ताकत के बदौलत बोल रहा हूं। अगर आप मुझे और ताकत दोगे, शेख रशीद साहब आप नहीं है ताकत दे रहे, खलील दादा आप नहीं है, आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के, अगर आप ताकत दोगे, आप अगर साथ दोगे, तो इंशाल्लाह ये ऐसे 4-5 एमएलए भी आ जाए
तो इंशाल्लाह अगर आपकी ताकत साथ रहेगी तो असेंबली भी लड़ूंगा और आपके भरोसे, आपके बदौलत और गरीब भाइयों के लिए, क्योंकि ये गरीबों को खत्म न करना चाहते, गरीबों की क्यादत खत्म करना चाहते ये लोग मिलकर। अगर मेरा परिवार खत्म हो रहा है इसका मतलब गरीबों की क्यादत खत्म हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप चाहते हो कि गरीबों की क्यादत खत्म हो जाए तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि गरीबों की क्यादत खड़े रहे, आपके साथ खड़े रहे, तो मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके बदौलत में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आज ऐलान करता हूँ कि आप लोग इसी को एक मीटिंग की शक्ल में समझ के ये पैगाम लेकर यहाँ से जाओ कि आपको अपने घर की ओर बढ़ाना है, नवी ओर, और आपको अपने घर और मोहल्लों के अंदर बोलकर आने वाले असेंबली की तैयारी करना है। और इन लोगों को कानून से भी और अपन वोटों से भी इंशाल्लाह ताकत से हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह इनको हराएंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई तो मैं माजरत चाहता, बाकी मुखालफत तनकीद करते रहे उसकी कोई परवाह नहीं।